सो वेलकम टू बैक हमारे चैनल गाइस। तो गाइस आज की वीडियो आप सभी का माल का ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूं गाइस, जो कि आपका भाई आप सबको किस प्रकार से आप इस वीडियो को बनाएंगे तो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो कमाल का ट्रांजेक्शन है और बहुत ज्यादा टिकटॉक पर ट्रेंड में चल रहा है गाइस। तो अगर आप इस प्रकार की वीडियो बनाते तो आपको बहुत सारे लाइक्स एंड फैंस एंड बहुत चीज मिल सकता है गाइस। तो ये बताते हैं किस प्रकार से आप इस वीडियो को बनाएंगे। तो सिंपल तरीके से आपको कुछ इस प्रकार से ये वीडियो दिख रहा है, तो आपको क्या करना है गाइस कि मेरा वीडियो देख रहे हैं गाइस, तो आपको सिंपली इसी प्रकार से करना है, ठीक है। और आपको क्या क्या चाहिए और कैसे कैसे क्या करना है गाइस, तो आपको सिंपली दो वीडियो शूट करना है। तो आपका मोबाइल जो जब वीडियो शूट करेंगे गाइस ना, तो आपके पीछे जो है ना स्काई ज्यादा से ज्यादा दिखना चाहिए गाइस। तो आपके वीडियो में स्काई का ही महत्वपूर्ण है, ठीक है गाइस। तो मेन वही है गाइस। और अपना मोबाइल जो कि डाउन जैसे कि नीचे साइड रखेंगे और ऐसे रखेंगे जैसे कि आप थोड़े से बड़े लगो गाइस। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैंने ही रखा है, तो आप भी इसी एंगल में रख देंगे। रखने के बाद गाइस आपको सिंपली इसी प्रकार से एक्टिंग कर लेना है, मोबाइल को हिलाना डुलाना नहीं है। और आपको याद रहे गाइस आपको उसी फ्रेम का एक फोटो चाहिए गाइस, तो ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड का इमेज चाहिए गाइस बिना हिलाए डुलाए, जैसे भी जिस पे आप वीडियो शूट कर रहे हो गाइस उसी पर बिना हिलाए डुलाए उसी में रिकॉर्ड कर लेना जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे होगे, ठीक है। तो आपको सिंपली उसी प्रकार से कर लेना। दिखा देता हूँ मैं इसी प्रकार से फोटो ये, ठीक है गाइस। तो आप देखते हैं यहाँ पर फोटो मैंने खींच कर रखा था, ठीक है। तो आप लेना, लेने के बाद गाइस आपको सिंपली फिर एक्टिंग करना है कुछ इस प्रकार से। देखते हैं एक्टिंग मैंने किया, पहले कपड़ा उछाला है, उछालने के बाद गाइस आपको सिंपली फिर से हाथ ऊपर कर लेना है। जैसे उछालने के बाद फिर हाथ वहीं पर ऊपर कर लेंगे, ऊपर करना गाइस फिर कुछ टाइम बाद नीचे करेंगे। नीचे करना गाइस आपको सिंपली इसी प्रकार से एक्टिंग कर लेना, पीछे जाकर फिर दूसरा कपड़ा पहनकर आ जाना। दूसरा कपड़ा पहनने के बाद गाइस आपको कुछ इस प्रकार से उछल के आना है गाइस, बस इतना करना है गाइस आपको सिंपली, बस ये आपका हो गया। और आपको दो एप्लीकेशन चाहिए जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। पहला है काइन मास्टर एप्लीकेशन, ये मस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन गाइस, तो इससे बहुत सारे वीडियोस आप बना सकते हो। और उसके बाद गाइस आपको एक बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन, जो भी इरेजर एप्लीकेशन आपको पसंद हो वो ले लेंगे। लेने वाले गाइस आपको चलते हैं अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन। तो चलिए काइन मास्टर एप्लीकेशन चलते हैं गाइस। सो गाइस आप देख सकते हैं हम आ गए अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन में। काइन मास्टर एप्लीकेशन में आने के बाद सिंपली कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो आपको सिंपली सबसे पहले जो आपको मैंने वीडियो शूट करने को बोला है सबसे पहले, तो आपको सबसे पहले वही वीडियो को ले लेना। तो आपको वाला वीडियो ले लेंगे, सबसे पहले मीडिया क्लिक करूंगा। मीडिया क्लिक करते गाइस आप सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे, अपने फाइल में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपको सिंपली जहाँ भी वीडियो शूट एंड सेव किए होंगे वहाँ से ले लेंगे। तो सिंपली जैसे मैंने यहाँ पर किया है कुछ इस प्रकार से। तो आपको मैंने बताया था गाइस कि जब अपना वीडियो शूट करेंगे गाइस ना, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है ना खाली बैकग्राउंड पे आपको रिकॉर्ड कर लेना वीडियो, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये मैंने खाली बैकग्राउंड का एक फोटेज ले लिया है गाइस। देखते हैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है गाइस, तो आप भी इसी प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऐसे करेंगे, करने में कैसे आपको फिर उसके बाद एक्टिंग स्टार्ट करना है गाइस। देखते हैं मैं यहाँ पर एक्टिंग कुछ इस प्रकार से मैं आपको फिर से समझा देता हूँ किस प्रकार से करेंगे। तो आपको सिंपली इसी प्रकार से बैकग्राउंड खाली करके थोड़ा सा कर लेना। करने वाले गाइस आपको सिंपली जब अपना एक्टिंग करेंगे तो आपको सिंपली कुछ इस प्रकार से खड़े होकर कपड़ा फेंकना है, फिर वैसे ही हाथ ऊपर कर लेना, हटाकर इसे कपड़े को, फिर जहाँ खड़े हो वहीं खड़े होकर हाथ ऊपर फिर से करना है थोड़ा टाइम के लिए खड़े करके, अब हाथ नीचे कर लेना है। करने वाले गाइस आप फिर पीछे जाएंगे, देख सकते हैं मैं पीछे जा रहा हूँ, अब वहाँ जाकर अपना एक्टिंग कर लेंगे गाइस। जैसे भी उड़ना चाहते हो या फिर कुछ भी करना चाहते हो तो आप वहाँ से कर सकते हो। करने वाले गाइस आपको सिंपली मैंने दो बार उछाला था, उछलने वाले गाइस आपको सिंपली ये कर लेना है बस। दूसरा वीडियो आप फिर से देख सकते हैं, ये पहला वीडियो हो गया, आपको इसी प्रकार दो बार उछलना है, उछलना है बस, आपका काम खत्म। फिर दूसरा वीडियो में अपना कपड़ा पहन लेंगे, जो कपड़ा आपने उछाला था। देख सकते हैं मैंने यहाँ ब्लैक कलर कपड़ा था, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का कपड़ा पहनकर आ गया गाइस क्लोज। देख सकते हैं, तो आपको सिंपली इसी प्रकार दौड़ के आना, उछल के कूदना है सामने बस। देख सकते हैं ये, बस ऐसे ही आपको भी उछल के कूद जाना है बस। इतना करने के बाद गाइस आपको सिंपली ऐसे हो गया। अब आपको सिंपली सबसे पहले आप ये समझने के बाद गाइस आपको सिंपली आपको क्या करना है, जो आपने ये बैकग्राउंड का फोटो लिया है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, इसका फोटो लेना है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है गाइस। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखते हैं, फिर यहाँ पर क्लिक करने गाइस आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करते गाइस ये मैसेज शो हो जाएगा, तो ये फोटो खींच गया गाइस। तो आपको सिंपली इसे डिलीट कर देना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो गया। उसके बाद गाइस आप फिर से मीडिया में जाएंगे, मीडिया में गाइस आप यहाँ कैप्चर नाम का फाइल होगा, अगर आपने काइन मास्टर एप्लीकेशन से कैप्चर किया होगा तो आपको कैप्चर नाम का फाइल मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ क्लिक करके ले लेना गाइस। देखते हैं ये जूम आउट जूम इन हो रहा, तो आप इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ गाइस, देखते हैं, ठीक। तो अगर ऐसे नहीं होता है गाइस तो आपको सिंपली यहाँ पे डिलीट फिर से कर देना, फिर से आप मीडियम जाएंगे, फिर यहाँ कैप्चर के फाइल में, तो आपको लगभग 4-5 बार इसे टच करना है। टच करना, देख सकते हैं यहाँ 5-6 बार हो गया,
तो आपको सिंपली सबसे पहले देख सकते हैं ये फ्रेम में है, जो शुरुआत में अगर पूरा फ्रेम में दिख रहा है गाइस, तो आपको सिंपली ये समझ आना कि ये वीडियो सही है, ये वाला फुटेज सही है। तो आपको सिंपली सब फोटेज को डिलीट कर देना है। तो पहला फुटेज को ले लेना, देखते हैं ये रहा। अब जैसे शुरुआत से ऐसे चालू होगा तो समझ लेना कि बस सही है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर इक्वल के निशान पे क्लिक कर देना है, ये जूम आउट जूम इन होना बंद हो जाएगा, देखते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसे बढ़ा लेंगे। बढ़ाने में गाइस आपको सिंपली ये हो गया। अब आपका जो आपने एक्टिंग किया है, उछला है या फिर कुछ भी किया है गाइस, अब उसे लेना है गाइस, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको सिंपली मीडिया क्लिक कर देना है। मीडिया क्लिक करने के बाद गाइस जहाँ भी अपना वीडियो शूट एंड सेफ होंगे वहाँ से ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर किया था, ले लिया मैंने। लेकिन गाइस आपको सिंपली जहाँ से अपना एक्टिंग स्टार्ट किया है गाइस, तो आप वहाँ से इसे क्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्रॉप कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने में गाइस आपको यहाँ पर कंटिन्यू निशान दिख जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जिस भी साइड का काटना हो, ट्रिम टू राइट एंड प्ले और लेफ्ट है, ठीक है। तो मुझे लेफ्ट साइड का, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर है, कट गया। अब इसे स्लाइड करके प्रेस, लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ कर देंगे। यहाँ करने गाइस आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर या फिर यहाँ पर क्लिक करने इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना। क्लिक करते गाइस आपको इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करके अब आप देखते हैं, जब आप अपना कपड़ा उछाल रहे होंगे तो आपको यहाँ पर एक फ़ोटो लेना है अपना, देखते हैं। यहीं मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ गाइस, ठीक है। ये बस देखते हैं, यहाँ पर मैं एक फ़ोटो ले लिया, यहाँ से देखते हैं। आपको तीन फ़ोटो लेना है गाइस, ठीक है। तो आपको एकदम प्रोफेशनल तरीके से आपका वीडियो बन जाएगा। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करना गाइस, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार का शो हो जाएगा। जहाँ भी अपना फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो वहाँ से आप उसी जगह पर रोकेंगे। रोकने वाले इस वाले पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर कैप्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देखते हैं फ़ोटो खींच गया गाइस। तो आपको यहाँ पे खींचना है जब कपड़ा उछाल रहे होंगे, फिर दूसरा लेना है जब आप उछल रहे होंगे, देखते हैं। ये बस देखते हैं यहाँ पर, तो आपको सिंपली यहाँ पर हो गया। और टाइमिंग आपको देख लेना है, देखते हैं 21 सेकेंड पे है ये। तो आपको सिंपली फिर यहीं पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे क्लिक करना होगा, ये होगा। उस गाइस आप जब यहाँ पर दूसरा वीडियो में शूट कर रहे हैं, जैसे कि यह खा गया, ये रहा। तो आप देखते हैं ये बस मैं यहीं पर उछल रहा था, ये देखते हैं, ये बस देख सकते हैं कुछ इस प्रकार मैंने उछला है वहाँ पर, ठीक है। तो आप भी इसी प्रकार जब उछलेंगे तो आप इसी प्रकार से अपना फ़ोटो ले लेंगे, ठीक है। तो मैं फ़ोटो अपना ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ए ए बस देख सकते हैं गाइस, कुछ इस प्रकार से फ़ोटो लेना है आपको सिंपली तरीके से, तो आप भी इसी प्रकार से ले लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका फ़ोटो पहले से लेकर रख लिया था गाइस, फिर आप क्लिक करेंगे ले लेंगे। उसके बाद गाइस आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको मेन ट्यूटोरियल्स आ गया गाइस। अब आप क्या करेंगे, जहाँ से अपने कपड़ा उछाला है बस वहीं पर रोक देना है, ठीक है। जहाँ से अपने फ़ोटो लिया था वहीं से इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करना है, यहाँ पर क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने वाला है, फिर यहाँ स्लाइड करेंगे। अब हाँ, जब हाथ अपना ऊपर करेंगे, फिर जैसे नीचे लाने वाले रहेंगे, बस ये इसी पर यहाँ पर फिर से क्लिक करना है, फिर से क्रॉप कर देना है। ये क्रॉप करने वाले गाइस जहाँ सटीक करके बस स्लाइड करके यहाँ तक फिर से लाना है यहाँ, ठीक है, इस वाले वीडियो पार्ट तक, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जब पीछे आप जा रहे हो यहाँ से उछले, फिर दोबारा उछल रहे होगे गाइस ना, तो जहाँ से अपना फ़ोटो खींचे हैं बस यहीं पर आपको सिंपली यहाँ से क्लिक करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है, फिर इसे क्रॉप कर देना है, यहाँ पर अलग कर देना है, ठीक है। तो जितना भी पार्ट ख़राब है इसे हटा देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर मैंने ये फ़ोटो कहाँ से लिया था, आप देखते हैं मैं ये बस यही फ़ोटो लिया था, ये वाला भी। जहाँ जहाँ से आपने फ़ोटो लिया वहाँ वहाँ से आपको क्रॉप कर देना, देखते हैं यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, ये क्लिक कर दिया गाइस। अब इसको भी स्लाइड करके यहाँ पर ला देंगे, ठीक है। तो गाइस मैंने सबको क्रॉप कर दिया, देख सकते हैं मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैनेज हो चुका है। तो आपको सिंपली याद रहेगा जितना भी जहाँ भी पार्ट हो, जैसे यहाँ पर आप, जैसे आपने यहाँ पर ये कपड़ा फेंका, बस ये कपड़ा जहाँ आया यहाँ नीचे आ रहा था थोड़ा सा, बस यहीं से अपना फ़ोटो खींच लिए थे। उस वक्त गाइस आपको सिंपली फिर यहाँ से, जहाँ से अपने हाथ ऊपर नीचे लाने वाले थे, बस वहाँ तक उसके बीच का पार्ट जो भी हो उसे क्रॉप कर देना। कपड़ा फेंकना या फिर कुछ भी होना वो सब फेंक देना, जैसे कपड़ा नीचे गिरा फिर उसे रख रहे थे तो उसका बीच वाला पार्ट हटा देना है। अब पीछे जा रहे हो गाइस, अब वहाँ से उछड़ कर, अब यहाँ जैसे उछले हैं गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपने यहाँ फोटो खींचा इसका और आपने इसका भी फ़ोटो खींचा है। तो आपको सिंपली इसे मैनेज कर लेना। अब आपको क्या करना है कि जो जो फ़ोटो खींचे गाइस, जैसे कि इसका भी फ़ोटो खींचे थे आप, इसका ना, जैसे कपड़े का फ़ोटो खींचे, तो आपको कपड़े वाला फ़ोटो का जो कि खींचने के बाद आपको बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन में जाकर बैकग्राउंड इरेज कर लेना। तो मैं लास्ट में बताऊंगा किस प्रकार से आप बैकग्राउंड इरेज करेंगे,
क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग होने वाला है, तो आपको मैं सबसे पहले एडिटिंग सिखा देता हूँ। तो आपको सिंपली जिस जिस पार्ट को, जैसे तीन फोटो आपने खींचे, तीनों फोटो को आपको सिंपली क्या करना है, उसका बैकग्राउंड इरेज कर लेना। तो मैं बैकग्राउंड इरेज करके पहले से ही रख लिया था गाइस, तो आपको सिंपली बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन को चालू करना है, बस ऐसे कर लेना है, उसका इरेंज करके रख लेंगे। तो आपको सिंपली मैं दिखा देता हूँ, जब आप लास्ट पार्ट में आएंगे, यहाँ आप देखते हैं, तो आपको यहीं से अपना फ़ोटो लगाना है उसे, ठीक है। तो आपको सिंपली वो फ़ोटो आपको अब लगा देना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ रहा है ये। अब आपको क्या करना है, जहाँ भी अपना ये हुआ, अभी आप लेयर में जाएंगे, लेयर में जाएंगे गाइस, आपको मीडियम जाना होगा, जहाँ भी अपना फ़ोटो का बैकग्राउंड रिलीज करके रखे होंगे वहाँ से ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर रखा है गाइस कुछ इस प्रकार से, देखते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर सेट कर देना है इसी पास, ठीक है। तो ये हुआ, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है गाइस उसे क्रॉप कर देना। तो छोटा सा इसे लेंगे, देखते हैं जहाँ से अपने यहाँ तक करना है इसे, इसे यहाँ से बढ़ा सकते हो गाइस, ठीक है। जब जहाँ आप उछल रहे, दोबारा उछल कर आ रहे हो गाइस, देखते हैं ये, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर मैं उछला हूँ, बस यहाँ तक आपको कर लेना है इसकी, इस वीडियो बराबर, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से इस वीडियो बराबर कर लेंगे। करने वाले गाइस आपको सिंपली क्या करना है कि ये हुआ, अब आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस वाले पर क्लिक करने वाला थोड़ा सा एनिमेशन कर देंगे, सॉरी देखते हैं कहाँ गया यार, ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा हिलना डोला चाहिए, बस एनिमेशन ये हो गया। उसके बाद गाइस आपको सिंपली क्या करना है, जब आप यहाँ उछले हैं गाइस, ठीक है, तो पहले इसी वाले वीडियो को थोड़ा सा इधर हटा देते हैं। अब जहाँ से आप उछले हैं गाइस, अब आपको जो दूसरा फोटो खींचे थे आपको यहीं पर लाकर सेट कर देना है। तो आपको सिंपली फिर से लेयर जाना होगा, फिर मीडिया क्लिक करेंगे, मीडिया क्लिक करना, फिर इरेजर में मैंने सेव किया है, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किया कुछ, तो इसे छोटा कर लेंगे, ठीक है, छोटा करके इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। तो इसका छोटा सा क्लिप भी ले लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर इतना बड़ा क्लिप है, लेकिन इसे छोटा सा हम कर देंगे, छोटा से छोटा क्रॉप करना है आपको, ठीक है। तब तक जूम ऐसे से कर देना है, अब आपका क्लिप बड़ा हो गया, देखते हैं आपको इस पर क्लिक करना है, चाबी आइकन पे, चाबी आइकन पे क्लिक करना है गाइस, आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर प्रेस आइकन पे क्लिक कर देना है, फिर इसे तो पूरा एकदम लास्ट तक ले जाना है। अब आपको इसे स्लाइड करके ऊपर ले जाना है, जहाँ तक कपड़ा था गाइस, ठीक है। तो आप देखते हैं एनिमेशन ये भी हो गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये ऊपर जा रहा है गाइस इसी प्रकार से, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद गाइस आपको सिंपली क्या करना है कि जो आपने अब फोटो लिया है अपना, वो वाला देखते हैं कहाँ गया वो वीडियो, देखते हैं मैंने यहाँ पर ये वीडियो कर दिया गाइस, तो आप भी इसी प्रकार से कर लेंगे। तो उसका आपको सिंपली जो फोटो आपने ये वाला फोटो लिया है, तो आपको यही वाला फोटो फिर यहाँ पर लगाना है गाइस। इसके बाद जैसे आप ये उड़ के जा रहा है, तो इसे और छोटा कर लेंगे, ठीक है, एकदम फास्ट एनिमेशन हो, जैसे कि आपको लगे एकदम फास्ट एनिमेशन हो, ठीक है गाइस। तो आपको सिंपली जब यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ये फोटो वाला यहाँ पहुँचे, बस यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके ऑप्शन पर क्लिक करना है, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक करते गाइस आप मीडिया पर क्लिक करेंगे, अब फिर से वहीं जाकर तीसरा फोटो ले लेंगे, देख सकते हैं ये तीसरा फोटो रहा। तो आपको सिंपली इसे भी छोटा छोटा ले लेना है, देखते हैं मैं क्रॉप कर दे रहा हूँ, एकदम छोटा कर दे रहा हूँ इसे भी, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से इसे छोटा कर सकते हो, करने वाले गाइस आप देखते हैं, ठीक, ये हुआ। अब आप भी इसे थोड़ा सा इसे जूम इन करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, दोनों फिंगर से इधर साइड करेंगे, इमेज जूम करते हो तो यहाँ पर क्लिक करके इसे कर लेंगे। करना गाइस आपको सिंपली यहाँ पर फोटो अपना सेट करना है, जहाँ से ये उड़ रहा है बस यहाँ पे क्लिक करना है, फिर इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, यहाँ से इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, हल्का सा आगे दे सकते हैं ये, बस जैसे प्लस का ये वाइट हो जाए, बस यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर इसे पूरा बढ़ाकर यहाँ तक लाएंगे, जैसे नीचे तक, ठीक है। तो आप दे लेना गाइस आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ये देख लेना है। तो आपको सिंपली इसे जो है कि इस वाले आइकन पे क्लिक करके बस प्लस आइकन पे क्लिक करना है, बस यहाँ तक लाना, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप इसे बड़ा करके बस देखते हैं थोड़ा सा और, अब आपका लगभग वीडियो 90% बन गया है गाइस, ठीक है। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से ये वीडियो बना है, ठीक है। तो आप देखते हैं कुछ इस प्रकार से ये फोटो बन चला है। तो आपको सिंपली ये वीडियो बन चला है। तो आपको अभी एक और जो कि स्काई चेंजिंग वाला है, तो आपको मैं वो बता देता हूँ किस प्रकार से आप करेंगे, तो कोई बताता नहीं गाइस, तो मैं बता देता हूँ किस प्रकार से करेंगे। देखते हैं ये वीडियो बनकर तैयार हो गया। तो आपको सिंपली क्या करना है कि जहाँ से आप ये उछल रहे हैं, जैसे कि ये वाला फोटो आया है, देखते हैं बस ये जैसे ये ख़त्म होगा, बस यहीं से आपको वाला फिर से इमेज ले लेना है, ठीक है। तो उस इमेज का PNG आप डाउनलोड करेंगे, स्काई वाला जो फोटो है, तो उसका एक PNG आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के गैस आपको सिंपली लिए मीडियम जाना होगा, मीडियम जाने के गैस आपको सिंपली यहाँ पर मैंने फोटो डाउनलोड किया है, ठीक है। तो देखते हैं मैंने ये वाला फोटो बहुत सारे फोटोस लिए थे, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था, तो इसे अपनी बैकग्राउंड के हिसाब, जहाँ तक कोई बैकग्राउंड हो वहाँ तक आपको कर देना है। देखते हैं मैं अपने छत के ऊपर से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ तक कर देना है, करने के गैस आपको देखते हैं
ये हुआ। अब आपको क्या करना है कि इस वाले यहाँ फोटो क्लिक करने के बाद गाइस आप स्लाइड करके जाएंगे तो आपको प्रीमियम का ऑप्शन देगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के गाइस आपको यहाँ पर बहुत सारे जो कि आपको यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन दिख जाएंगे, तो आपको डार्केन या फिर कोई सा भी आप चूज कर सकते हो, तो मल्टीपल पे बहुत सही होता है ठीक है, लेकिन मैं डार्केन करता हूँ। यहाँ पर कोई सा भी आप चूज़ करेंगे जिस पर आपका कंफर्टेबल या फिर अच्छे से बैठ जाए, देख सकते हैं ठीक है, जिसमें स्काई और आप बहुत ही अच्छे से दिख रहे हो, जैसे डार्केन में, ये डार्केन में मेरा बहुत ही अच्छे से बैठ रहा है गाइस, तो आप इसी प्रकार से कर सकते हो ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो कुछ फोकस हो गया, तो फोटो को थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देंगे लास्ट तक ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बढ़ गया। जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से क्लिक करके फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे क्लिक करके काट देंगे, देख सकते हैं फोटो अब हो गया। आपको सिंपली इसी प्रकार से PNG डाउनलोड कर लेना है इमेज का, उधर गाइस आपको सिंपली यहाँ पे फ्रीम वाले ऑप्शन क्लिक करके कोई सा भी चूज कर लेंगे। अब आपका लगभग पूरा वीडियो बन चला है गाइस, और बहुत ही समय के बाद ये वीडियो बनकर तैयार हो गया गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये वीडियो बहुत ही आसानी से आपके सामने बताते बताते बन गया गाइस, लेकिन बहुत ही बड़ा वीडियो बन गया, सॉरी उसके लिए गाइस, लेकिन आप बहुत ही आसानी से इस वीडियो को बना सकते हो गाइस। तो सिंपली तरीके से आप बनाकर 5-10 मिनट में बनाकर इस वीडियो में बहुत सारे लाइक्स एंड व्यूज पा सकते हो गाइस। तो आज के लिए बस नए मिलते हैं अगले वीडियो में, आइए बताते हैं किस प्रकार से आप बैकग्राउंड इरेज करेंगे, बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन को कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ गाइस ठीक है। सो गाइस आप देखते हैं हम आ गए अपने बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन, तो बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फेस आ जाएगा, तो आपको सिंपली लोड फोटो पर क्लिक कर देना। क्लिक करते गाइस आप यहाँ पर अपने फाइल्स में आ जाएंगे, जो भी अपना फोटो खींचे होंगे वहाँ पर आ जाएगा, तो आप सर्च करके वो वाला फोटो ले लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है मेरा सामने ही, तो आप इसी प्रकार से एक फोटो सर्च ले लेंगे। सबसे पहला फोटो मैं ले लेता हूँ ठीक है, तो अभी हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने वाले गाइस आपको देख सकते हैं मैं एक फोटो पहले सेलेक्ट कर लिया गाइस, पहला फोटो सेलेक्ट कर लिया, तो आपको सिंपली ऐसे मैनेज कर लेना है। तो मुझे सिर्फ कपड़े का ही बैकग्राउंड चाहिए, जैसे कि मैं उसका ही बैकग्राउंड रिलेज करूँगा ठीक है, तो मैं इसका अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से ठीक है, मैनेज करके। यहाँ आपको 5-6 टूल्स दिए गए हैं गाइस, तो आपको सिंपली यहाँ से कोई सा भी टूल्स यूज़ करके बड़े ही आसानी से एक क्लिक में या फिर आराम से अपना कर सकते हो गाइस। देख सकते हैं यहाँ थोड़ा थोड़ा बचा है, तो आपको यहाँ अच्छा वो टूल्स जो दिए गए हैं गाइस उसमें से कोई सा भी एक यूज़ करके जो भी अच्छा लगे आपको अपने हिसाब से इरेज कर लेंगे। देखते हैं ऐसे ऐसे करके जूम करके, जूम इन जूम आउट करके जल्दी 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 ये वीडियो कर लेना गाइस। तो आपको इसी प्रकार से एक फोटो मैं दिखा देता हूँ, आप इसी प्रकार से अपना सभी फोटो, तो वो आपको मैं एक फोटो बता देता हूँ, तो आप सभी फोटो ऐसे ही अपना इरेज करेंगे गाइस ठीक है, जल्दी सा करें इसी में, तो आपको तीनों फोटो को जो है कि इसी पर इरेज कर देना है। तो मैं सिंपली आपको दिखा दे रहा हूँ कुछ इस प्रकार से मैं इरेज कर रहा हूँ, तो आप इसी प्रकार से जूम इन जूम आउट करके अच्छे से अपने हिसाब से बहुत ही आसानी से ये बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी कर लेता हूँ गाइस ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं लगभग ये फोटो हो चला है, तो गाइस आप इसी प्रकार से अपना फोटो बड़े आसानी सीरीज कर सकते हो गाइस। सीरीज करने में गाइस आपको सिंपली डन पे क्लिक करना, डन पे क्लिक करना, सेव पे क्लिक कर देंगे गाइस, बस आपका तैयार हो गया। तो आप इसी प्रकार से तीनों फोटो को अपना बैकग्राउंड सीरीज कर लेंगे इसी में आकर ठीक।